और ये रहा ग्रीष्मा का केक, आप सब देखिए, बहुत प्यारा केक है, फ्रूट से बनाया गया था। और ग्रीष्मा ने केक कट करने के बाद खाना शुरू कर दिया, और देखिए ये कैसा प्यारा सा फेस बनाया है इसने। ग्रीष्मा, और ये बर्थडे केक कटने के बाद ग्रीष्मा का खाना स्टार्ट हो गया, और उसके बाद ग्रीष्मा का फेस देखिए, ये देखिए, काफी प्यारी लग रही है ना। बहुत सारा आशीर्वाद दीजिएगा आप हजार साल तक। मैंने भी तो बहुत सारे आशीर्वाद दिए। और अब हम निकल चले हैं वृंदावन दर्शन करने के लिए, बाकी और ये शरद पूर्णिमा था बाबू के बर्थडे के दिन, और ये भीड़ आप सब देख सकते हैं। मैं तो पसीना पसीना हो गई थी, और एक ही रास्ता था वहीं से जाना है, कोई भी आई पी एंट्री नहीं, कुछ नहीं। जो दर्शन करने के लिए मैं तो लग रहा जैसे नाव में बैठी हुई यहाँ से यहाँ बस तैर रही थी। फाइनली दर्शन हो गया, सबके दर्शन कर लीजिए। बाकी बिहारी लाल जी के दर्शन के बाद प्रेम